डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आज विश्व हिंदू निषेध दिवस के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस साल भी मेरठ के प्रसिद्ध केम्स संस्थान में जन जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि तंबाकू के सेवन से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु होती है। तंबाकू का सेवन करने वाले किशोर कैंसर जैसी बीमारी का शिकार होने के चलते समय से पहले ही मौत के मुंह में चले जाते हैं। जबकि डॉक्टर तनेगल ने बताया कि तंबाकू खाने से केवल कैंसर ही नहीं बल्कि बहुत से हृदय रोग भी होते हैं। आजकल पिए जाने वाले फ्लेवर्ड हुक्का भी हानिकारक हैं, जो कि किसी भी बड़ी बीमारी की वजह बन सकते हैं। वहीं डॉक्टर अंशुल बंसल ने बताया कि जो महिलाएं तंबाकू का इस्तेमाल करती हैं उनको सर्वाइकल कैंसर, बदहजमी, रक्तस्राव, तालू का कैंसर, जीभ कैंसर, जबड़े का कैंसर आदि का खतरा बना रहता है। वह प्रेगनेंसी के दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर तनेगर्ग ने फर्स्ट बाइट टीवी के माध्यम से जनता को जागरूक किया। देखिए तो डॉक्टर तनेगर्ग, आपने किस तरह से आज नो टबैको डे को यहाँ पर केएमसी में सेलिब्रेट किया है? हमने एक आयोजन किया है जिसमें हमने बाहर की पब्लिक को, बाहर की जनता को यह समझाया है किस तरह धूम्रपान एक बहुत ही खतरनाक नशा है। ये और नशों के कंपैरिजन में भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि एक तो ये इजीली अवेलेबल है, इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और लोगों में इसको अभी भी लोगों में इसकी जो हानिकारकता है, जो इससे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, जो इससे बॉडी ख़राब हो सकती है जिस तरह, उसका लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों में जागरूकता नहीं है उस बारे में। कैंसर के बारे में सभी को पता है कि कैंसर हो जाता है इस चीज़ से, लेकिन हार्ट के लिए किस तरह से ये हानिकारक है, मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी। जो इसमें निकोटीन पदार्थ होता है वो नसों को सुखड़ा देता है, नसें छोटी हो जाती हैं, जैसे हार्ट की नसें हो गई, पैरों की नसें हो गई। इससे क्या होता है, हार्ट को खून सप्लाई ठीक से हो नहीं पाती है, जिसकी वजह से हार्ट में ऑक्सीजन की कमी होती है और पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। इसी तरह पेशेंट के पैर काले पड़ जाते हैं क्योंकि उसमें खून सप्लाई नहीं जा पाती है और हमें पैरों को काटना पड़ता है। इस दौरान डॉक्टर अंशुल ने यह जानकारी दी। आज हम लोग 31 मई को नो टबाको डे के मौके पर हमने हमारे हॉस्पिटल KMC हॉस्पिटल में एक अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें हमने सारी जितनी पेशेंट के रिलेटिव्स और बाकी जितनी पब्लिक आई थी उनको हमने कैंसर, तंबाकू के सेवन से होने वाले नुकसान, वे बीमारियां और उससे किस तरीके से बचे के बारे में जागरूकता कार्यक्रम किया है। इस साल WHO की जो थीम है नो टबाको डे की, वी नीड फूड नॉट टबाको। आप जानते हैं जैसे देश में भूखमरी ज़्यादा है, आप देखेंगे जो बहुत गरीब भी हैं वो भी धूम्रपान के सेवन पे आई थिंक अपना डेली का जो उनका वेज होता है, जो डेली वो सैलरी कमाते हैं, उसको ऑलमोस्ट 60-70% केवल वो ये बीड़ी खरीदने में, सिगरेट खरीदने में, दारू खरीदने में सब खर्च कर देते हैं, जिसके वजह से देश में भूखमरी भी बढ़ रही है। डॉक्टर गगन ने यह बताया। डॉक्टर गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे तंबाकू से बचा जा सकता है। कैसे, डॉक्टर गगन आप बताइए, कैसे हम बच सकते हैं तंबाकू से और कैंसर जैसी बीमारी का कैसे खात्मा कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है इस समय कि आज हम वर्ल्ड नो टोबैको, इंडिया में ओरल कैंसर का प्रेविलेंस है वेस्टर्न कंट्रीज के मुकाबले बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये हम लोग जो खैनी, गुटखा, सिगरेट का बहुत ज़्यादा यूज़ है, सेल है, तो बस इसकी वजह से ओरल कैंसर का प्रेविलेंस और डेथ रेट बहुत ज़्यादा है हमारे कंट्री में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 70-80% के ज़्यादा लोग जो हैं वो टर्मिनल स्टेजेस पर डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो इस मौके पर मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस बढ़ाएँ, टोबैको से दूर रहें, और अगर इस तरीके की कोई भी चीज़ आपके सामने आती है तो ये KMC संस्था, इतनी बड़ी संस्था है मेरठ वालों के लिए, एक एसेट या बून कह सकते हैं, जहाँ पे बायोप्सी से लेकर एडवांस कीमो रेडियोथेरेपी सर्फ अंडर वन रूफ आपको अवेलेबल होता है, तो इसका फ़ायदा उठाएं। दिल्ली इधर उधर जाने से, टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ आएँ, यहाँ आप सर्विसेज लें और इस
घातक बीमारी से बचें। तंबाकू से क्या मुंह के कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं? डेफिनेटली, तंबाकू सबसे बड़ा कॉज है मुंह के कैंसर का, और उसमें भी अलग अलग डिग्री हैं, जो खाने वाले हैं, स्मोक वाले हैं, सबसे ज़्यादा हैं। बाकी हिंदुस्तान में तो आपको पता है खैनी और हज़ार तरीके के हैं, तो इस सबसे बढ़ जाता है। और जो दो तरीके के टंबाकू यूज़ कर रहे हैं, तंबाकू यूज़ कर रहे हैं, स्मोकिंग भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, वो और भी ज़्यादा रिस्क में हैं। और इसके साथ अगर थोड़ा बहुत अल्कोहल ऐड हो जाता है, शराब ऐड हो जाती है, तो वो और कई गुना ज़्यादा परसेंटेज बढ़ जाती है मुंह के कैंसर की संभावना।